हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी साबूदाने की खिचड़ी। आमतौर पे साबूदाने की खिचड़ी हम जब भी बनाते हैं बहुत ही ज़्यादा चिपचिपी बनती है, लेकिन आज मैं आपको पूरे टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताऊंगी कि साबूदाने की खिचड़ी को आप कैसे खिली खिली बना सकते हैं। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप साबूदाना लिया है। तो सबसे पहले हमें साबूदाने को एकदम अच्छे से धुलना है। साबूदाने के ऊपर एक्स्ट्रा कोटिंग होती है यानी कि स्टार्च, उसे निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप उसे अच्छे से नहीं निकालोगे तो वो आपके साबूदाने की खिचड़ी को एकदम चिपचिपा बना देगा। तो मैंने इसमें एकदम अच्छे से पानी डाला है, उसे बिल्कुल हल्के हाथों से मसलते हुए हम साफ़ करेंगे। तो आप देख रहे हैं ये पानी कितना सफ़ेद हो गया है, तो ये एक्स्ट्रा कोटिंग है यानी कि स्टार्च। तो इस पानी को अब मैं फेंक दूंगी और इसमें हम फिर से पानी डालेंगे, क्योंकि ये एक बार में साफ़ नहीं होगा, इसीलिए आपको इसे 4 से 5 बार धुलना है या फिर तब तक धुलिए जब तक ये पानी एकदम अच्छे से क्लियर ना आना शुरू हो जाए। इसमें अब हम फिर से पानी डालेंगे और इसे हम फिर से साफ़ करेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से मसलते हुए इसे हम साफ़ करेंगे। तो पहली इंपॉर्टेंट टिप इसमें यही है कि साबूदाने को एकदम अच्छे से आपको साफ़ करना है। तो ये वाले पानी को भी हम फेंक देंगे। तो साबूदाने को मैंने यहाँ पे 5 बार साफ़ किया और देखिए पानी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है और साबूदाना यहाँ पे एकदम अच्छे से हमारा धुल गया है। तो इसी तरीके से पानी एकदम अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए और इतने पानी में से नहीं भिगोना है, बस मैंने ये आपको दिखाने के लिए रखा था। तो इस पानी को भी मैं निकाल दूंगी। तो फाइनली इसमें अब हम पानी डालेंगे। तो पानी इसमें कितना डालना है, दूसरी इंपॉर्टेंट टिप यही है कि साबूदाना मैंने यहाँ पे 1 कप भर के लिया था, तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप पानी लिया है और साबूदाने के नीचे भी आप देखो कितना सारा पानी है, तो ये भी वो एकदम अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेगा। तो 1/2 कप पानी मैं इसके ऊपर डाल दूंगी और आप साबूदाने का लेवल और पानी का लेवल बिल्कुल एक जैसा है, आप देख सकते हो कि दोनों एक ही लेवल पर हैं। तो अगर मैं आपको चम्मच से चेक कराऊं तो देखिए चम्मच को मैं अगर इसके ऊपर रख रही हूं तो चम्मच का जो नीचे का हिस्सा है वही पानी में है, चम्मच के ऊपर बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। तो बस इतना ही पानी इसमें डालना है। अगर आपने इसमें ज़्यादा पानी डाला तो आपकी खिचड़ी एकदम चिपचिपी बनेगी। तो इसे अब हम ढक कर 6 से 7 घंटे के लिए इसे भीगने के लिए छोड़ देंगे। आप इसे पूरी रात के लिए भी छोड़ सकते हो। तो मैंने अपने साबूदाने को 7 घंटे के लिए भिगो के रखा था। तो ये देखिए साबूदाना एकदम अच्छे से हमारा भीग गया और साइज़ में देख रहे हैं एकदम डबल हो गया है। तो उसे फोक से या चम्मच से एक बार इस तरीके चला लेंगे। तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, इसने सारे पानी को एकदम अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि साबूदाना आपका एकदम अच्छे से भीगा हुआ है। तो जब साबूदाने की एक बॉल को आप हाथों से इस तरीके से मैश करेंगे तो ये एकदम अच्छे से मैश हो जाएगी। तो इसका मतलब साबूदाना आपका एकदम अच्छे से भीगा हुआ है और यहाँ पर साबूदाने की सारी बॉल्स एकदम अच्छे से ड्राई हैं। तो इस टिप्स को अगर प्रॉपरली आप फॉलो करेंगे तो आपकी भी साबूदाने की खिचड़ी एकदम खिली खिली बनेगी। तो अब मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, पैन में मैं डालूँगी 1 चम्मच देसी घी, इसे आप तेल में भी बना सकते हो। तो घी मेरा यहाँ पे एकदम अच्छे से मेल्ट हो गया, तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप मूंगफली और इसे हम लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे और इसे हम तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक मूंगफली जो हमारी हल्की चिड़कना ना शुरू हो जाए। तो इसे हम लगातार चलाते भी रहेंगे। तो मूंगफली को मैंने यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिया, ये हल्की चिड़कना भी शुरू हो गई है। तो इसे अब मैं निकाल लूँगी। अब मैं उसी घी में ही डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरा को हल्का सा हम चटकने देंगे। तो जीरा को मैंने यहाँ पे हल्का सा फ्राई कर लिया। तो अब इस पर हम डालेंगे 2 इंच बारीक कटा हुआ लहसुन, 3 हरी मिर्च डालिए जिसे मैंने एकदम बारीक काट लिया है, हरी मिर्च को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप डाल सकते हो, और इसे हम कुछ सेकंड तक पका लेंगे ताकि जो अदरक का कच्चा फ्लेवर है वो निकल जाए। तो इसे मैंने कुछ सेकेंड तक पका लिया है। तो अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। तो मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाले जिसे मैंने छोटी पीसेज में कट कर लिया है, तो इसे मिक्स कर लेंगे। तो अब हम टमाटर को मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। इसे हमें पूरी तरीके से मशी नहीं करना है। तो टमाटर को मैंने यहाँ पे 2 मिनट तक पका लिया है, ये देखिए। तो अब इसमें हम डालेंगे आलू। तो मैंने आज यहाँ पे 3 उबले हुए आलू लिए हैं जिसे मैंने छोटी पीसेस में कट कर लिया है, तो इसे मैं डाल लूँगी और इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब इन आलुओं को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि इनके ऊपर हल्के से ब्राउन से स्पॉट्स आ जाएँ। तो आज मैंने यहाँ पे उबले आलू का यूज़ किया, लेकिन अगर आप कच्चे आलू डाल रहे हैं तो पहले उसे तेल में हल्का सा पका लीजिएगा, उसके बाद इसमें टमाटर ऐड करिएगा। तो मैंने आलू को यहाँ पे 2 मिनट तक पका लिया और उनमें हल्के हल्के से ब्राउन से स्पॉट्स आ गए। तो अब इसमें हम डाल लेंगे साबूदाना। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम सीधा नमक डाल लेंगे। तो मैं इसमें 1.5 छोटे चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग से कम ज़्यादा भी कर सकते हो। 1 छोटा चम्मच मैं डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर। तो अब हम फटाफट से सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से मिला लेंगे और लो मीडियम फ्लेम पर इसे हम 2 मिनट के लिए और पका लेंगे।
तो आप देख रहे हैं साबुदाना हमारा एकदम अच्छे से खिला खिला हो रहा है। तो साबुदाने को मैंने यहाँ पे लो मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पका लिया है। तो अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया, 1 नींबू का रस डाल लेंगे। नींबू का रस डालने से इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है, उससे साबुदाने की जो खिचड़ी है वो चिपकती भी नहीं है। 1 छोटा चम्मच मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ, चीनी डालना इसमें टोटली ऑप्शनल है। चीनी डालने से इसमें खट्टा मीठा सा फ्लेवर आता है, लेकिन अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। और पहले से मूंगफली का जो हमने फ्राई करके रखा था वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे लो मीडियम फ्लेम पर सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि जो सारे फ्लेवर्स है वो एक दूसरे के साथ एकदम अच्छे से मिलजुल जाएं। तो इसे मैंने 1 मिनट तक पका लिया है। तो अब हमारी जो साबुदाने की खिचड़ी है वो बनकर बिल्कुल रेडी है। तो बस मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर लूँगी और इसे मैं अब सर्व करूँगी। ये देखिए साबुदाने का दाना देख रहे हैं, एकदम अलग अलग हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। एक बार आप इसे ट्राई करिएगा। तो इन्हीं सिंपल सी टिप्स और ट्रिक्स के साथ आप इसे बनाओगे तो आपकी भी साबुदाने की खिचड़ी एकदम खिली खिली बनेगी। रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।